हेलो भाई साहब, ये मेरी फर्स्ट ब्लॉक है और हम आए हुए हैं शेखपुर गांव में और ये हमारे दोस्त लोग हैं। अब मैं आपको अपने दोस्त लोग के बारे में दिखाता हूँ। ये हमारे दोस्त हैं। नाम क्या है भाई आपका? विपिन यादव नाम है इनका और मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं भाई साहब, क्या बताएं। और ये हमारे प्यारे मित्र हैं। क्या नाम है आपका? अमन नाम है। कितने क्यूट हैं। अगर शादी वादी करना है किसी को बताना, नंबर दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। और आगे कुछ दिखाता हूँ चल के आपको मैं, पहाड़ी वगैरह मेरे पीछे देख सकते हो कितने। अब मैं चल रहा हूँ, मैं आपको लेके चलने वाला हूँ अभी। राम पहाड़ी नाम से एक जगह फेमस है, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी गुफाएं और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी वहाँ पे दी हुई है जो भगवान राम से रिलेटेड है। चलो चलते हैं। बस आओ, तुम बना रहा हो यार, तुम बना रहा हो ना एक दास राजा के राजा बना रहा हूँ चलते हो चले हो नहीं अभी तक इधर से नहीं आगे चलो जाने से। हाँ इधर से चलिए होगा, इधर से रामबाड़ी गुजर ले सनबाड़ी पहुँची हो। हाँ पहले सनबाड़ी रामबाड़ी ऐसी सनबाड़ी इधर गंगा किनारे ये गंगा किनारे आई। हाँ जाने के अंदर से हाँ, ये बाहर वाली रास्ता तो मैं तो बाहर वाली चलते नहीं जैसे। वीडियो प्रोफेशनल अनियारम ऐसे हुए चल रहे चढ़ा दे बाबा से बाबा का नाम लेके चढ़ा दे बाबा का नाम देखे पर करिए ना चढ़ा दे। यही साइड में खड़ी करो साला, बाल की तो अय्या मैया हो गई ली यारो। और चलते हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं बस। अभी आपको मंदिर दिखाएंगे कहाँ कैसा, कितने पुराने जमाने के लोग क्या ऐसे सब। यहीं पे एक मूवी बनी थी ई माटी में सब कुछ बांटे, उससे रिलेटेड जानकारी आपको हम लोग देंगे आज। चलते हैं हम लोग बस, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग कैसा लगा। ये मेरे दोस्त लोग हैं जो मुझे लेकर आए हैं अपने गांव का व्यू दिखाने। हाँ तो भाई, ये कौन सी पहाड़ी है? ये शायद लक्ष्मण पहाड़ी है, शायद आपने बताया था। हाँ ये लक्ष्मण पहाड़ी, भाई बता रहे हैं कि लक्ष्मण पहाड़ी है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों को दिखाएंगे ये लोग। कर दो, हाँ चलते हैं। हाँ जल्दी अच्छा भी जल्दी। आप देख रहे हो हम लोग बहुत तो अभी चालू नहीं भाई यार, बहुत बहुत पहाड़ी जगह पे आ चुके हैं। हाँ चल दी, मजा आने वाला है आपको यहाँ पे बहुत तगड़ा, क्योंकि हम लोग आपको बहुत अच्छी अच्छी पहाड़ी दिखाने वाले हैं। आ जाओ कैमरामैन और मेरे दोस्त, आ जाओ भाई साहब। पहाड़ों पे बहुत मजा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है पहाड़ी है, जबकि बहुत ज्यादा बड़े पहाड़ नहीं। आप लोग भी जाया करिए पहाड़ वहाड़ घूमने। किधर से रास्ता भाई बताना, किधर से रास्ता? हम इधर कब आए शायद ये मेरे भाई कभी आया नहीं। चलो अंधारे से पहुंच जाएंगे। आ जाओ भाई, रुक जाओ भाई, आइए हम लोग चलते जा रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे आपको। बाल थोड़ा इस वजह से कर रहा हूँ यार, मैं नहा के ऐसे ही चला आया हूँ, मैं सो रहा था। मेरा भाई पीछे वाला जो दिख रहा है, ये दोस्त आया बोल रहा है चल घूमने चलते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज फर्स्ट ब्लॉग ही बना देते हैं। और बहुत अच्छी, आपको देख के ही लग रहा होगा कि हम बहुत अच्छी जगह पर आए हुए हैं। बाग बगीचा है यहाँ पर, गंगा है और सामने आपको दिखाता हूँ, गंगा माँ है हमारी। आओ आपको दिखाता हूँ चल के भाई, थोड़ा उधर से चलेंगे, खेत से चल सकते हैं इधर से चढ़ाइए। ये देखिए, आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे गंगा माता जी हैं। तो पहाड़ी देख पा रहे हो कितनी ऊंची पहाड़ी, इसमें हम चढ़ेंगे अभी, देखना। चढ़ते हैं पहाड़ी में, बहुत टाइम लगेगा पहाड़ी चढ़ने में, बहुत ऊंची पहाड़ी है।
जोर लगा के हैसा यहाँ पे भुजंगा ना निकल जाए, इसी वजह से हमारी फट रही थोड़ा। भुजंगा आप समझ सकते हो, एक्चुअली भुजंगा होता है यानी काफ़ी ऊँचे चढ़ चुके हैं अभी, और आप देख सकते हो पत्थर वत्थर कितने अजीब हैं। हम लोग चढ़ रहे हैं भाई साहब, मज़ा आने वाला है। युगांडा पहुँच चुके हम लोग। अरे बिचखपरी वो सीढ़ी के नहीं है, हमें ऐसा लगा, सॉरी। वो हम एक है ना वो डाकर न्यूज़ वाले, उनकी एक्टिंग करने लगे। वो है दिखी यार, सही दिखी थी, दिखी मुझे गणपति माई यार, बोल नहीं सकते हम। आगे थी यार, भाई साहब देखो यार, अब ब्लॉग हो रही ख़त्म, नहीं बनाएंगे बहुत सड़क, लाइक करो चाहे ना करो। अंदर दिख चुका है बहुत बड़ा जानवर, मैंने देख ही लिया था पहले, तो पहले ही मैंने आपसे कहा था ये भाई। हमने नज़र इतनी तेज़ है यार, वीडियो बना रहे हैं तो क्या हुआ, नज़र बहुत तेज है। कहाँ जा रहे हो, चल घर, घर चलते हैं भाई साहब। अब देख रहे हो भाई साहब, वो सॉरी गाली मैं काट दूंगा, गाली बीच में निकल गई थी, कोई नहीं, चलो आगे चलते जाते हैं। बहुत दूर आया हूँ अभी यार, उधर गंगा नदी दिख रही है। सामने से चलते हैं भाई यार, इधर से कहीं से, इधर सामने से। आप आगे कौन चलेगा? आगे मेरे फौज के भाई हैं, आपको मैं उनकी वर्दी दिखाता हूँ। मेरे भाई चल रहे हैं, और ये हर एक पत्ते को देख के इनकी फट रही है शायद। अब बोलेंगे नहीं क्योंकि मैंने इनको भाई बोला है, तो भाई वाला रिश्ता निभाएंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है हम देखते हैं, भाई साहब पहुंच पाते हैं कि नहीं। अरे ए चल भाई साहब चलते। हाँ तो आप देख लीजिए पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जो हमारे शिव बाबा जी दिख रहे हैं, शंकर भोले बाबा उनकी मूर्ति है। और ये थोड़ा कैमरा मैन पास आइए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये उस वक्त की गुफाएँ, यहाँ अंदर तो जा नहीं सकते, पर आप देख सकते हो कितनी, थोड़ा कैमरा मैन थोड़ा पास से दिखाना। यहाँ पे डाकू लोग रहा करते थे, आप देख सकते हो अंदर, जूम नहीं कर सकते, लॉक लगा हुआ है इस वजह से, लॉक लगा हुआ है। आप देखिए आइए, और आपको गुफाएं दिखाता हूँ, आइए आपको और गुफाएं दिखाता हूँ। तो भाई आप यहाँ बचपन से आए ही नहीं हो? नहीं, ये हमारे भाई बचपन से आए ही नहीं है, बचपन में आए होंगे, अभी हो चुके हैं 20 साल के करीब। अब आए हुए हैं, आप देखो लगता है यहाँ भंडारा हुआ था, यहाँ देखो सब पत्तल वत्तल पड़े हुए हैं, भंडारा हुआ था। हाँ तो भाई अभी अकेला हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी गहरी गुफा है। इस गुफा में वही डाकू लोग रहा करते थे, मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत सारा खजाना डाकू लोग लूट के अंदर डाल गए हैं। चलो अब इतना तो पता नहीं, अंदर ये हमारे जिसको निकालना हनुमान जी यहाँ से ले जा सकता है, हनुमान जी की मूर्ति हाथों सुनाएगी। ये हनुमान जी हैं हमारे, इनसे थोड़ा दर्शन दर्शन कर लेते हैं हमारे, थोड़ा दिखाइए, दर्शन दर्शन कर लेते हैं, रक्षा करिए। कैसा कहा जाता है कि ये रक्षा करते हैं इनकी गुफा की, आइए और आपको दिखाता हूँ हमारे गंगा माँ का प्यारा प्यारा दृश्य, और हमारे कृष्ण भगवान को दिखाता हूँ, आ जाइए। ये आपको जो निशानी दिखाई पड़ रही है, ये निशानी दिखाई पड़ रही है, इसमें जेसीबी से इसमें खोद करके सब निशानी बनाई गई है। पहले ये खजाना निकला गया था, पहले ये हाँ खजाना निकला था यहाँ पे, पहले ये पहाड़ी पूरी बराबर से थी, पर यहाँ पे खजाना भी मिला, और ये सब अंदर बने हुए थे मूर्ति, ये सब अंदर बने हुए थे मूर्ति। और आप देख लीजिए मूर्ति यहाँ पे पाई थे, यहाँ पे गंगा माँ है, आप देख सकते हो। आइए भाई साहब दिखाइए थोड़ा पास में आके, गंगा में नहा के दिखला दो। यहाँ ये गंगा है, आप देख सकते हो भाई साहब, आप देख सकते हो कितनी ऊंची पहाड़ी है, देख सकते हो। अभी हम इसको चढ़ेंगे, और हम लोग अब वहाँ पे जाने वाले हैं, जहाँ पे प्रभु श्री राम और माता सीता एक महीने के लिए जहाँ पे रुकी थी, इसी वजह से। लग रहा है उधर कोई जानवर है, देखो हम निकलते हैं। अरे डीला उठा रहे ले, अरे हमारी भाषा है गुरु, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। डीला उठ, आप देख सकते हो ऐसे ही करते रहते, थोड़ा मौज मस्ती चलती है। हम आपको मिलवाते हैं जहाँ साक्षात आपको दर्शन होंगे माँ सिया के और प्रभु श्री राम के और लक्ष्मण भगवान के, आपको मैं दर्शन। ये देखिए ये चौकी है जहाँ पे बैठा करते थे
उनके अवशेष मिले थे, इस वजह से यहाँ पे उन लोगों को मूर्ति बना दिया गया है। अब देखिए ये दोस्त लोग लेके आए भाई, धन्यवाद आप लोगों का। ये देखिए और मैं आपको क्या क्या ना दिखाऊँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहस्यमय चीज़ें हैं भाई। ये सब हमारे ही गांव के पड़ोस में ही हैं, हम ही अब पहली बार आए हुए हैं, देख सकते हो। और ये पावन मंदिर है यहाँ पे भाई सब, ये रामपाड़ी है भाई, ये रामपाड़ी है। हाँ देखिए हम लोग अब फिलहाल रामपाड़ी में पहुँच चुके हैं, अब थोड़ा जूता वूता उतार के दर्शन अर्शन कर लेते हैं अंदर के। और यहीं पे प्रभु श्री राम की कुटिया थी, और आप देख सकते हो उन्होंने यहाँ पे इस वजह से कुटिया बनाई थी क्योंकि पासी में नदी है, पासी में नदी थी और बगल में एक गांव आव थे, तो वैसे भी वो तो चलो आप दर्शन करते हैं, आ जाओ। जय बाबा। आइए हम लोग दर्शन करते हैं भगवान भोले बाबा के। देख रहा हूँ इस वजह से क्योंकि थोड़ा पहाड़ एरिया में है तो थोड़ा डर लगा रहता है, आ जाओ। अब मेरे भाई लोग भी हैं, आइए करते हैं। आप देख लिए, ये बोला जाता है इस मंदिर में आते ही यहाँ पे दो रक्षा करने वाले खड़े हुए हैं। ये देखिए आप देख सकते हो मेरे पीछे सिपाही लोग खड़े हुए हैं, एक इस डोर पे खड़े हुए हैं, एक इस डोर पे खड़े हुए हैं। आइए मैं आपको और कुछ भी दिखाता हूँ, वीडियो फिलहाल बहुत लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, आप लोग मैं दर्शन पूरे करवाऊँगा गुरु, ऐसा नहीं हो सकता, वीडियो लंबा हो तो हो यार, दर्शन पूरे होने चाहिए, क्यों भाई लोग? भाई लोग मुझे उठा कर लाए, मैं सो रहा था यार, कहा चलो आज ब्लॉग बनाते हैं, मैंने कहा चलो भाई सब बना लेते हैं, रक्षाबंधन का पावन दिन है यार आज, आज मैं आपको वो पहाड़ी दिखाता हूँ, आओ क्या नज़ारा है। जैसे मैं कैमरा बैक करूँगा आप सोचोगे क्या नज़ारा है, लग रही है फट सकती है भाई साहब, देख लो आपको देखने में तो बड़ा वो लग रहा होगा, पर यानी 1 किलोमीटर नीचे गंगा जी, यहाँ पे 1 किलोमीटर नीचे यहाँ सब नदी 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 नदी, कितना अच्छा लग रहा है बताओ।